तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अ फ्लो ऑफ 10^10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इन अ कंडक्टिंग वायर कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ। तो हमें इसकी 10^10 इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम की हमें वैल्यू गिवन है 10^7, और हमसे पूछा क्या है करंट आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, और हमारा जो क्यू होता है वो एन ई होता है ना, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई बाई टी। तो हमें यहाँ पे किस किस की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे एन की, और हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता ही है 1.6 × 10^-19, और हमें एन की वैल्यू कितनी है 10^7, और हमें जो टाइम गिवन है वो इतना ही है मतलब है ना, क्योंकि पर यूनिट टाइम का हमें पता रखा है ना, तो ई बाई टी हमारा 10^7 आ जाएगा है ना इस पूरे को मिला के। तो हम यहाँ से आराम से अपना आई निकाल सकते हैं, हमारा आई आ जाएगा 1.6 × 10^-19 + 7, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 12। तो ये हमारा आ जाएगा 1.6 × 10^-12, मतलब मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ये थोड़ी सा मेरी मैथमेटिकल गलती हो गई। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 1.6 × 10^12, इसका आंसर है ए।